चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही लाजवाब जो है मिठाई लेके आई हूँ, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है गरम दूध मैंने लिया है, तो आधा केजी से ऊपर होगा। मलाई वाला आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने कढ़ाई जो है गरम करने के लिए रख दिया है, तो इसमें हम इसको डालेंगे और इसको गरम करेंगे गाढ़ा होने तक। मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। इसको हम गरम करेंगे अच्छे से गाढ़ा होने तक। और आप कच्चा दूध भी ले सकते हो, तो मैंने गरम दूध लिया हुआ है। और आपकी जो इच्छा हो, आप जो अवेलेबल हो घर में वो ले सकते हो। देखिए दूध हमारा जो है गाढ़ा होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम जो है मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। और आपके पास अगर मिल्क पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और अगर ना हो तो दूध को ही थोड़ा जो है दूध ज़्यादा मात्रा में लगेगा, तो जो है वो पक के गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है डाल के इसको घोल तैयार करूँगी। इसको अच्छे से जो है घोल लेंगे। यहाँ मैंने घोल तैयार कर लिया है। और इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल डाल के धीरे धीरे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। अभी इसी स्टेज पे हम दूध काफी गाढ़ा हो गया है, तो इस पे हम मैंने शक्कर लिया है। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब जितना मीठा और जितना फीका खाते हो उतना आप डाल सकते हैं। और ये मिठाई बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है एकदम बिल्कुल। आपको अगर घर में कुछ मीठा नहीं है खाने को, जल्दी जल्दी फटाफट जो है 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और इसको हम चलाते रहें बीच बीच में। देखिए जो है हमारा गाढ़ा परफेक्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। मैंने सब डालने के बाद करीब 5 मिनट जो है पकाया था शक्कर वगैरह डालने के बाद, वो भी इतना गाढ़ा जरूर, क्योंकि ठंडा होने पे और गाढ़ा होगा। तो इसको हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। मैंने कुछ टोस्ट लिया है, तो इसको हम लगाएंगे। मार्केट में आराम से मिल जाता है, इसको हम ऐसे लगा लेंगे। मैंने जो है कंटेनर एक लिया है, उसमें जो है ऐसे मैंने टोस्ट को लगा दिया है। अब इस पे हम हमारा जो है गाढ़ा हो गया है दूध का जो हमने बनाया था, इसको मैं इस पे थोड़ा डालूंगी। एकदम बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो अंदर तक अच्छे से ये सोखेगा। में ही मैं दूसरी लेयर भी लगा देती हूँ। दूसरी लेयर के ऊपर भी अच्छे से हम इसको फैला देंगे। ये रस मलाई और घेवर से भी अच्छा लगता है। फटाफट सबसे बड़ी बात है कि फटाफट बन के जो है तैयार हो जाता है। ऐसे थोड़ा हम इसे इसको घुमा देंगे। देखिए जो है मैंने सब डाल दिया है, देखने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं थोड़ा जो है बारीक कटा हुआ जो है बादाम डाल रही हूँ। आपको जो अच्छा लगता हो जिस फ्लेवर में
जो जो फ्रूट आप वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा जो है बादाम ऐसे ऊपर से इसको डाल दे रही हूँ, थोड़ी टूटी फूटी ऐसे ऊपर से डाल देती हूँ। इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद जो अच्छा लगता है तब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बन के तैयार हुआ है। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। देखिए जो है बन के हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में और टेस्टी लगता है। मैं एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अभी मैं कट कट करके दिखाती हूँ। देखिए ये केक है और ना खाने में बहुत अच्छा लगता है, केक से भी आपको टेस्टी लगेगा। और बिल्कुल एकदम अच्छे से इसमें भीग चुका है अंदर तक और जो है मतलब फटाफट ये खा बना के खा सकते हैं और बना के खाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और कैसा बना है मुझे खा के ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। क्वेश्चन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।